इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। देख भाई देख, भाई देख, भाई देख। कदम कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख, देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, भाई देख, भाई देख। चलो आबा रानी, जल्दी से दूध पियो। नहीं पियोगी दूध तो क्लास में फर्स्ट कैसे होगी? करेले उनको बहुत पसंद है। ले लो, एक तरफ भिंडी तली जा रही है, एक तरफ करेले। कितनी बार कहा है कि हरी सब्जी को ज्यादा तलने से उसके सारे विटामिन्स खत्म हो जाते हैं। यही तो सारी खराबी हमारी हिंदुस्तानी कुकिंग में कि एक बेचारी हरी सब्जी को स्वाद बनाने के लिए उसमें 75 तरह की चीजें पड़ेंगी। पहले हल्दी पड़ेगी, फिर मिर्च पड़ेगी, फिर नमक पड़ेगा, फिर धनिया पड़ेगा, फिर उसे पकाया जाएगा, घोटा जाएगा, पकाया जाएगा, भुना जाएगा, जब तक उसके सारे विटामिन्स खत्म, फूड वैल्यू जीरो और उसका रंग काला। करेक्ट। अगर हरी सब्जी खानी है तो उसका रंग भी तो हरा होना चाहिए। विलायत में सारी सब्जियों को सलाद की तरह खाते हैं, इसीलिए देखो सबके रंग बिल्कुल लाल सुर्ख और सेहत रुष्ट पुष्ट। मैं क्या लेने आई थी? आपकी स्प्राउट्स। एक मिनट को अंदर आई, घंटा भर तुमने फजूल की बातों में लगा लिया। सॉरी मम्मी जी। भरवा करेले बना रही हूँ, इसमें सौंफ डाल लेना, इनको बहुत पसंद है। इन्हें बहुत पसंद है। दीदी हम पत्नियां कितनी भोली होती है ना, कितना सोचती है अपने पतियों के बारे में। क्या पति भी दफ्तर में बैठे बैठे अपने पतियों के बारे में सोचते होंगे? कितने दिनों से मैं यही सोच रही हूँ। चाची अपना बेकार का वक्त गुजारने का तरीका कोई तुमसे सीखे, किसी भी पॉइंट पे सोच लेती हूँ सोचने के लिए। तभी तो इसी मेरे सोचने का नतीजा है कि मेरा सोमू इधर उधर नहीं भटकता। अच्छा अब ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी भिंडी जल रही है। जल गई दीदी, जल गई। नमस्ते दीदी जी। अरे देखिए चंचल आई है। आओ आओ चंचल, एरिया बुलेटिन चल शुरू हो जा। आज की ताजा खबर। क्या दीदी, मैं थोड़ी ना कोई खबर सुनाने आई हूँ। तो फिर हाथ बटाने आई हो? एक मिनट। हाँ तो कैसे आई चंचल? चंचल के मालिक के घर में दही जमाने के लिए जम लेने आई है चंचल। क्यों क्यों क्यों, आजकल मोहल्ले में कुछ हो नहीं रहा क्या? मैं समझ गई, आपको चंचल से इधर उधर की बातें सुननी है ना। अब आ ही गई हो तो खाली मुंह थोड़ी जाओगी, सुना ही दो। अरे वही तो सुनाने आई हूँ, फिसलने का चक्कर है। उई माँ कौन फिसला? शर्मा जी फिसले, उन्हें चोट तो नहीं आई? ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, वो वाला फिसलना नहीं, ये वाला फिसलना। जहाँ फिसलते तो मर्द है, लेकिन चोट औरत के दिल में आती है। पता है शर्मा जी को वर्मा जी की बेटी के साथ इश्क मुश्क हो गया है। अरे जा रही जा, वो तो परफेक्ट जेंटलमैन है, औरतें उनका मिसाल देती हैं। अभी रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए। अरे पतियों को पत्नियों की तो नजर लगती है, चंचल को बहुत तजुर्बा है। अरे बहुत से घर देखे हैं चंचल ने। हाँ क्या लेने आई थी ये? दही, अभी देती हूँ। ये ले जा, तेरा नाम क्या है? चंचल। हाँ जा। ओ दीदी शर्मा जी ऐसे? हाँ चाची शर्मा जी ऐसे? नहीं दीदी,
शर्मा जी ऐसे ना 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 नहीं चाची शर्मा जी ऐसे ना 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 डार्लिंग आई डार्लिंग भिंडी डार्लिंग तुमसे नहीं इससे इससे क्या डाल या या ऑफ कोर्स या नो नो डोंट वरी वी विल गो टू द रजिस्ट्रार्स ऑफिस ऑफ कोर्स आई विल कीप इट एज अ सीक्रेट या डाल व्हाट्स योर रूम नंबर ऑल राइट वी विल गो टू द हॉलिडे इन होटल आफ्टर दैट या बाय डाल या आई विल जस्ट सी यू इन अ मिनट या बाय मैं रात का खाना बाहर खाऊंगा ओके फिसलने का चक्कर है नहीं नहीं मेरा सोमो ऐसा नहीं है अरे पतियों को पत्नियों की तो नजर लगती है नहीं मेरा सोमो ऐसा ही है एक नंबर का आवारा दो नंबर का बदमाश तीन नंबर का चालू ए चाची तुम ये सारी गालियां समीर को दे रही हो हाँ दीदी लेकिन क्यों मेरा देवर तो परफेक्ट जेंटलमैन है हाँ दीदी चाहे कुछ भी कह लो मगर मेरे सोमो को जेंटलमैन जैसी गाली मत दो गाली लेकिन क्यों क्यों शर्मा जी भी तो जेंटलमैन है आप भी कमाल करते हैं पहले आउट हो जाते फिर पानी पी लेते पानी तो तुम ले आए पहले मांगा जो था हद करते हैं अरे कहाँ जा रही हो मैं मंदिर जा रही हूँ डैडी जी मंदिर क्या मांगने जा रही हो आज मम्मी जी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगने जा रही हूँ मैं तो दूसरों के लिए मांगने जा रही हूँ भगवान उन्हें थोड़ी सी बुद्धि दे दे हेलो सत श्री अकाल जी हाँ मिस्टर खुल्लर सुनीता घर पे है नहीं नहीं वो तो नहीं है वो तो बाहर गई है फॉरेन गई है नहीं मतलब है नहीं देश से बाहर नहीं घर से बाहर गई है मंदिर गई है ओहो बच्चे लोग जी तुमने गाड़ी में नहीं खींचा ये कोई तरीका क्या कह रहा हेलो अंकल जी सब कुशल मंगल हेलो बेटा खुश रहो बेटा सुनीता से कहना मम्मी बहुत बीमार है आय हाय क्या हुआ अंकल जी आपसे नहीं ये बच्चे जरा कब से चार पांच दिन हो गए हैं अंकल जी कोई घबराने की बात तो नहीं है ना बेटा दवा चल रही है पर कोई फायदा नहीं कल तो चल भी नहीं पा रही थी उठा के ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास उठा के किसने उठाया मैंने और कौन उठाएगा बेटा हम सुनीता को भेज देते हैं अंकल जी अच्छा है बेटा आ जाए तो अंतिम दर्शन कर लेगी अंकल जी अंकल जी ओ संजू चलो सबको लेके बाहर जाओ कम ऑन सबको लेके गार्डन नहीं नहीं प्लीज गार्डन में जाओ बहुत टेंशन हो गया बात क्या है बात क्या है चाची की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है गुड मॉर्निंग आई होप सो गुड मॉर्निंग मम्मी जी नाश्ता ऊपर ले जा रही हो हाँ ले जा रही हूँ मम्मी जी मगर आपसे पूछना था कि सोमो आपसे पूछना था कि सोमो के लिए नाश्ता ले जाऊँ कि नहीं अगर ऊपर मांगा है तो ले जाओ वरना रूल्स और रेगुलेशन तोड़ने से क्या फायदा मम्मी जी हाँ डैडी जी कभी फिसले हैं वो तो आए दिन फिसलते रहते हैं कभी बाथरूम में कभी सीढ़ी पे कभी हाँ एक बार तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था नहीं 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 मम्मी जी वो वाला फिसलना नहीं वो वाला फिसलना जिसमें फिसलते तो मर्द लोग हैं मगर चोट औरत के कलेजे को लगती है ओ वो वाला फिसलना नहीं भाई वैसे तो कभी नहीं फिसले तब भी मैं कहती हूँ आप और डैडी जी वर्ल्ड के बेस्ट कपल हैं मुझे भी कोई टिप दीजिए ना सुनीता हस्बैंड्स जो चाहे उन्हें करने दो टोको मत अगर गलती करें तो जरूर टोको मगर प्यार से अगर महज शक है तो फिर मुंह खोलो मत और अगर कंफर्म्ड है तो फिर छोड़ो मत मतलब टोको कि नहीं टोको या डार्लिंग या डोंट वरी डू दैट यस ऑफ कोर्स अरे जब मैं तुम्हारे साथ हूं व्हेन आई एम विथ यू देन हु द हेल इज गोइंग टू स्टॉप अस या उसकी ये मजाल हां ऐसा तो फिर उसे कुछ देवे के उसका मुंह बंद कर देंगे हाँ हाँ वो मेरी जिम्मेदारी ओए मां
ये तो कंफर्म ही हुआ जा रहा है। पूछो। हाँ पूछती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आज नहीं तो कल मैं उसे बता देता हूँ। मुझे हाँ। क्या बताना है सोमू? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं डार्लिंग। हाँ वो मेरी वाइफ। हाँ तुम इतने नर्वस क्यों हो? नर्वस कौन हो रहा है सोमू? हाँ मैं, तुम बीच बीच में बोल क्यों रही हो भाई? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं डार्लिंग, वो फिर मेरी वाइफ ही थी। हाँ हाँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ आई विल बी देयर। राइट बाय डार्लिंग। बहुत बुरी आदत है तुम्हारे बीच में बोलने की। कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया। ससुराल वालों की चाची कैसी है? हाय चंपा। चंपा तूने मुझे पहचाना नहीं? पहचाना ना, कैसे नहीं पहचानूंगी चांदनी। अब पहचाना? पहली बार सुनी था, मैं चिरुथा हूँ। हाँ चिरुथा चिरुथा, बट ऑफ कोर्स चिरुथा वही तो। बैठो ना, पीएचडी वाली ना। शुक्र है इतना तो याद है। कैसी है तू? बस फर्स्ट क्लास फ्री फ्रॉम बर्डन्स। तेरे वो कहाँ है? वो अपने डार्लिंग से मिलने गए। क्या ऑफिस गए हैं? तूने किस सब्जेक्ट में पीएचडी किया चंचल? चंचल तू 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 ठीक है ना? हाँ तेरा सोमू के साथ सब ठीक है ना? हाँ ठीक ठाक, फिट फैट एकदम, फर्स्ट क्लास परफेक्ट। तेरा सब्जेक्ट क्या था फिर? चला कोई सुनने, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं, क्या बात है? बात क्या बात हो सकती है, कुछ भी तो नहीं। आज उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। तू नाश्ता करेगी चमेली? चमेली जरूर, तेरा उससे कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से तू परेशान है। बता किधर है? अभी ठीक कर। हाँ ऑफिस का फोन नंबर दे, अभी फोन कर। वाली बात नहीं है, मैं वैसी वाली कोई बात नहीं है। क्या बात है? बात ये है ना चंद्रिका, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, जो से सब नाम ठोक मारे। चिरुथा याद नहीं तुझे? चिरुथा चिरुथा कब से वही तो कहे जा रही हो, चिरुथा चिरुथा। तूने किस सब्जेक्ट में पीएचडी किया चिरुथा? मेन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों? एक बात बता, मर्दों के फिसलने के क्या क्या रीजन होते हैं? बरसात का रीजन होता है, बाढ़ का रीजन होता है, आंधी तूफान का रीजन होता है, लेकिन मर्दों के फिसलने का कोई रीजन नहीं होता। ओए माँ, यानी जेंटलमैन भी फिसलते हैं? सच बात बताऊं, मर्द जात में कोई जेंटलमैन नहीं होता। मेरे एक सवाल का जवाब देगी? दूंगी। ये मर्द डार्लिंग किसे कहते हैं? झूठ मूठ का बीवी को और सचमुच का प्रेमिका को। हाय क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा मत कह चंदा। मेरा सोमू कब से फोन पर किसी को डार्लिंग डार्लिंग किए जा रहा था। तो ये बात है, तो कब से क्यों छुपा रही थी, अपने मियाँ की इज्जत बचा रही थी? अरे इन मर्दों की इज्जत होती ही नहीं, तुम बीवियां क्या बचाती हो मेरी तो समझ में ही नहीं आता। तो मैं क्या करूं? उसे आसानी से छोड़ मत, जासूस लगा दे उसके पीछे, रोज वो आकर तुझे झूठ बोलता रहेगा और रोज तू उसके झूठ का पर्दाफाश करती रहना। थैंक यू चिरुथा, थैंक यू। हाय थैंक यू, एट लास्ट सुनीता, मैं तो अपना ही नाम भूली जा रही थी, चिरुता। अब एक काम करती हूँ, मेरे जान पहचान वाला एक जासूस है, उसे यहाँ भेज देती हूँ, उसे उसके पीछे लगा दे। हाँ बड़ा सस्ता है। सस्ता है? छी फिर तो खराब वाला होगा। अरे तूफान है तूफान, मेरी रिसर्च में उसी ने मेरी मदद की थी। अच्छा हाँ तो फिर भेज दिया। हम जासूस है, जासूस का मतलब समझती है आप? प्राइवेट डिटेक्टिव। बहुत लिमिटेड है आपकी नॉलेज। जा फॉर जागृत यानी अलर्ट, सू फॉर सुव्यवस्थित यानी डिसिप्लिन, सा फॉर सहायक यानी हेल्पर। आप एक काम कीजिए, अपने पति की चार फोटो निकाल कर रखिए, एक लेफ्ट प्रोफाइल, एक राइट प्रोफाइल, एक फ्रंटल और एक आंखों का टाइट क्लोजअप। आंख का टाइट क्लोजअप क्यों? इंसान की फितरत उसके आंखों से ही पता चलती है। By the way, ये हमारा विजिटिंग कार्ड। अरे इस पर आपका पता? सीक्रेट है। अच्छा मैं चलता हूँ, कल ठीक 11:30 बजे आऊंगा। आप अपनी पति की फोटो और कमीज निकाल कर रखिएगा। कमीज क्यों? सीक्रेट है, कल बताऊंगा। और सुनिए, जब तक मैं सड़क पर ना पहुंच जाऊं दरवाजा बंद मत कीजिएगा।
क्यों? सीक्रेट है। अरे रख लिया है, फोटोग्राफ ले लिए, चार कॉपीज ना। अरे मेरे हाथों में है, अरे बिलीव मी, अरे राइट हियर विद मी, हियर। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे तुम्हें नहीं। अच्छा मैं 15 मिनट में मिलता हूँ, ओके बाय, सी यू। क्या करते हो चाची? सी यू, बाय चाची। यही है फोन, इससे होशियार रहिएगा। अरे ये मेरे पति के बड़े भाई का बेटा है। फिर होशियार रहने की कोई जरूरत नहीं। आइए बैठिए। आइए। नहीं नहीं घबराइए नहीं, यहाँ कोई बॉम्ब वॉम नहीं है, बैठिए। अपनी घड़ी मिला लीजिए। पता है आप ठीक 11:30 बजे यहाँ आए और अब 11:31 हुए, पता है? आपको पता है मैंने आपको 11:30 बजे का टाइम क्यों दिया? ये सीक्रेट आपका है, मुझे कैसे पता होगा? ताकि आप मेरी मदद से अपने पति का 12 बजा सकें। फोटो? ओ, फोटो। काफी हैंडसम है। ये उम्र ही है बहकने की। ठीक है, ठीक 7:30 मिनट के बाद मैं आपका काम शुरू कर दूंगा, तब तक एक काम की बात और हो जाए। काम की बात? हाँ। हाय, अब मुझे बैठकर आपके साथ ताश खेलना होगा? चार सत्ते? मेरी फीस 7,777 रुपए। चार दुक्की? 2,222 रुपए एडवांस। 5,555। हाँ बैलेंस। मैं अभी लाई। हेलो, अपने पति की शर्ट लेती आइएगा। शर्ट? क्यों? सूंघूंगा। असली है? तो क्या मैं आपको नकली नोट दूंगी? मुझे मेरा काम करने दीजिए, शक करना मेरा काम है। ये लीजिए आपका बिल। बिल? शर्ट दीजिए। ठीक है, चलता हूं, बाय। जब तक मैं सड़क पर न पहुंच जाऊं दरवाजा बंद मत कीजिएगा। हाय क्यों? सीक्रेट है। हेलो हेलो, सुनीता के लिए कॉल है। हाँ बोल रही हूँ। बस बस बस, अब आप नहीं बोलेंगी, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। मैं सुबह से लगातार आपके पति की हरकत देख रहा हूँ। हाँ, मैं देख रहा था कि आपके पति एक लड़की की खुशामद भी उसके आगे पीछे कर रहे थे कॉलेज के कंपाउंड में। कॉलेज? वो लड़की अच्छी तरह से जानती है आपके पति को कैसे नचाया जाए। हेलो, हाँ। उसके बाद दोनों एक गाड़ी में बैठकर इधर उधर घूमने लगे। मैं समझ रहा था कि वो सूरज के ढलने का इंतजार कर रहे हैं, और वही हुआ। सूरज के डूबते ही गाड़ी गार्डन होटल के कंपाउंड में दाखिल हो गई। इस वक्त मैं उसी होटल के पास वाले टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ। अरे मम्मी, यार चाची को क्या हो गया? बेचारी की मम्मी है ना, क्या हुआ उनको? बहुत ज्यादा बीमार है। आपके पति बहुत बिंदास है, बिल्कुल कुंवारों जैसा बिहेव कर रहे हैं। मम्मी माँ, वो लड़की ने आपके पति का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया है। दोनों अंग्रेजी सीरियल बहुत देखते हैं क्या?
आउच, अरे वही हो रहा है, वही हो रहा है जो अंग्रेजी सीरियल में होता है। हाय मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बच्चे, धीरज रखो बेटा, होनी को कौन रोक सकता है। मेरे पापा ने तो कहा था बताने को, लेकिन हमने सोचा ही ना। मतलब मेरे पापा को भी ये बात मालूम है? ऑफ कोर्स। अरे तुम अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो चाची, जल्द से जल्द जलंधर जाने की तैयारी करो। ये कहाँ भेजा जा रहा है मेरी बेटी को आधी रात में? मम्मी, मम्मी, गंदी है, गंदी है, गंदी है, नानी गंदी, नानी गंदी। अरे आप जिंदा हैं? गड्ढे में गिरने से कोई मर जाता है क्या? तो आपकी ये हालत गड्ढे में गिरने से हुई? अरे समधन जी, आपकी बम्बई में तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। टैक्सी से उतरी और गड्ढे में गिरी। अरे आंटी जी, वो तो कह रहे थे कि आप बहुत बीमार हैं और आपको गोद में उठा के अस्पताल लेके गए थे। उसके मुंह में कीड़े, उसके मुंह में धूल। लेकिन ये किसने बताया आपको दामाद जी? ओहो आंटी जी, वो आपके खुल्लर साहब ने। उनकी तो ये पुरानी तमन्ना है, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। दामाद जी, उन्होंने पम्मी के बारे में कहा होगा। नहीं नहीं, पम्मी नहीं, पम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी। अरे मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, पम्मी। पम्मी नहीं, पम्मी नहीं, मम्मी। मैं कह रही हूँ मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, पम्मी। मैं कह रही हूँ ना, पम्मी नहीं, मम्मी। ओहो, ये पम्मी कौन है? जी हमारे घर की डॉगी। नहीं मम्मी, पम्मी नहीं, समीर। समीर, समीर ने क्या किया? पता है डारी जी, चाची तुम्हें, ये क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वाइस बॉलिंग मशीन से छिलपा, ये है ना, ये कब से अपनी जासूसी दिखाया जा रहा है? फोटोग्राफ से फोटोग्राफ खींचे जा रहा है, वो भी फ्लैश के साथ। छिलपा फिर नाराज हो गई। ए, मैंने तुम्हें इसका पीछा करने को कहा था। और क्या, आपने तस्वीर तो इसी की दी थी। हट, तुम जासूस हो के क्या हो? जासूस? इस जासूस का फुल फॉर्म क्या है पता है आपको? जब अचा है सुपर स्टूपिड सब असर मेरा। अरे इतना सारा तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन चाची, तुमने जासूस बुलाया क्यों? Hi everybody. Come on in, darling. इसीलिए बिल्कुल नहीं घुसने दूंगी, ट्रैप तोड़ दूंगी, बॉल खींच लूंगी। Oh, come on in, darling. Come, darling. Don't feel shy. Come. Hello, everybody. Namaste. तो ये है तुम्हारे डार्लिंग? हाँ, of course. He is Douglas, darling. मेरे ऑस्ट्रेलियन पार्टनर इन्हीं के बदौलत तो मैं ऑस्ट्रेलिया में अपनी एजेंसी खोल रहा हूँ. Darling, this is my darling. I mean Douglas. This is my darling. This is my mother-in-law. This is my father. This is my bhabhi. This is my mother. This is my niece. This is my nephew. And that's my little brother. And this is my. And this is my. And this is my. And this. सोनू, ये कौन है? आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है. आप एफडी कॉल को नहीं जानते? फेमस डिटेक्टिव कॉमत लालवन. ओए, इस घर में जासूसों का काम है? वो क्या हुआ कि इन्होंने मुझे इनके पीछे लगाया. ये और बात है कि मैं इनके पीछे लग गया. वैसे मुझे इनके पीछे लगना चाहिए. आप चलिए, मैं आपके पीछे लगता हूँ. चुप चुप. सोनू, बात ये है कि वो तुम फोन पर डार्लिंग डार्लिंग कर रहे थे तो मुझे लगा कोई वो वाली होगी. सॉरी डार्लिंग. यस प्लीज. ओह नॉट यू डार्लिंग. अच्छा, तो इसलिए तुम दो दिन से रो रही थी. चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन. पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हा देख भाई देख, जमाना है रंगीन. इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हा देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है.